पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने हॉस्पिटल हैं, आप हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को क्या करो, चंगा करो, फिर हम तुम्हें 10 लाख का इनाम देंगे। इतने हॉस्पिटल खोले हम लेकर जाते हैं, हम मरीज लेकर आते हैं, तुम चंगा करके दिखाओ, ऐसे वो बोल रही। 10 लाख का इनाम देंगे, मरीज साढ़े होंगे, साडा होएगा रोगी, ठीक करता ले लेने 10 लाख, ऐन खीर खिचो लियाओ, इतने इन्ने हस्पताल खुले हुए सारे बंद कराइए, क्रिश्चियनों से ले जाएंगे सभा च लोगों को। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम नीतू है और जे जहांगीर गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि जून महीने में जे सिस्टर का रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इनके पूरी बॉडी में काफ़ी चोट लग गई थी, इनके फेस पर भी काफ़ी चोट लग गई थी, और जे बता रहे कि जिसके कारण इनको कोई भी होश नहीं थी और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और जैसे ही इनकी फैमिली ने कॉल की और बताया, और उसी समय इन्होंने प्रभु के दास के साथ बात भी की, और उस समय इनको और भी उत्साहित किया गया कि आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। अगर खुदावन परमेश्वर ने उस समय बचाया है तो अभी भी परमेश्वर इसे बचाएगा, क्योंकि जब इनकी फैमिली ने बताया कि इसकी जो आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, पूरे फेस पर चोट लगने के कारण सिर में भी इसके चोट लगी थी, पर उसके उससे पहले इसकी आंखें खुल रही थी जी, बहुत ही स्वेलिंग के कारण जे बता रहे कि काफ़ी इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, और जिसके कारण पहले इन्होंने पिक सेंड की, अभी हम इस पिक को भी देखेंगे। उस समय इनकी हालत ऐसे थी, बहुत ज़्यादा पूरे फेस इनके सिर में भी चोट थी, और जिसके कारण इनकी आंखें खुल नहीं रही थी, और इनको होश तो थी, मतलब जब बात कर रही थी पर इनकी आंखें नहीं खुलती थी। और जैसे ही फिर इनकी फैमिली इनको हॉस्पिटल में लेकर गई, और जब बताया इन्होंने कि जब डॉक्टर ने सब रिपोर्ट्स की, और रिपोर्ट्स में है कि इनके सिर में जो खून जम गया है, जिसके कारण जो इनके सिर में स्वेलिंग है, इनकी आंखों पर भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, और जिसके कारण इनकी आंखें खुल नहीं रही थी। और जैसे फिर प्रभु के दास के मन में परमेश्वर ने जैसे अगुवाई की, और जैसे प्रभु के दास हॉस्पिटल में गए और इस सिस्टर के लिए प्रार्थना की गई, पहले हम उस वीडियो को देखेंगे। तूने मुझे इस योग्य बनाया कि खुदा मैं तेरा दास हो जाऊं और तेरे राज्य के उस काम को फुलाऊं। मेरे परमेश्वर जिस कारण वो डेवल ने इसके जीवन पर अटैक किया, जिस कारण भी इसके जीवन पर उसने इसके जीवन को, इसके फेस को, इसके दिमाग में जो खुदावर डेवल ने इसके दिमाग की हड्डी को जो क्रैक की, जो ब्लड अंदर जमा, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से वो क्रैक हड्डी चुरे, सारा ब्लड मेरे परमेश्वर जो जमा है वो तेरे नाम से प्रभु सारा ब्लड खत्म हो, जमा हुआ ब्लड नॉर्मल हो जाए, सारी नाड़ियां प्रभु खुल जाए, सारा दिमाग की संतुलन प्रभु तेरे जीवन नाम से सही हो जाए, स्कारी स्किन मेरे प्रभु तेरे नाम से सूख जाए, सारे निशान खत्म हो, सारी सूजन उतरे, सारी बॉडी में जो भी वीकनेस है, कमजोरी है, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु तेरे जीवन नाम से जड़ से इसकी बॉडी से खत्म हो जाए। और जैसे कि इन्होंने बताया था कि इनकी जो सिस्टर की आंखें खुल नहीं रही थी स्वेलिंग के कारण, इसको होश तो थी, ये बात तो कर रही थी पर आंखें नहीं खुल रही थी, और जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इसके लिए प्रार्थना की गई, और इनकी फैमिली ने बताया कि उसी दिन ही शाम को इसने अपनी आंखें भी खोली, और जितनी स्वेलिंग थी परमेश्वर ने पूरी तरह से उससे इसको फ्री किया, और उसके बाद जैसे इन्होंने अपने मन को फिराया था और जो लगातार संगति में आते रहे, और जो भी इनके सिर में चोट थी और जो डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड जमा है, उसके लिए भी इन्होंने प्रार्थना में जो बने रहे, धन्यवाद करते रहे, और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया है, और आज ये सिस्टर बिल्कुल अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। अनोखे काम करता है, करता है यहोवा। क्या नाम क्या है आपका? जय
जय मसीह जी। क्या नाम क्या है? नीतू। नीतू, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कोई सिर में दर्द तो नहीं है? नहीं सर। कोई बॉडी में कोई कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। हाँ सुनो, तो अभी इसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह के कारण आप इसके फेस को देख रहे हो। बोलो क्या है? इसके फेस को आप देख रहे हो और जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था इसके। ये देखो पूरी बॉडी पर पूरी खरोचें आ गई, इसके फेस का बहुत बुरा हाल हो गया था और प्लस इसके सिर में चोट लगी थी और सिर में इसके ब्लड जम गया था। अगर ये प्रभु में ना होते, बोलो क्या है, उस पर विश्वास ना करते होते और डॉक्टर बोल रहे थे कि परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है, नहीं तो बिना ऑपरेट के इसका हल नहीं था। बोलो क्या है? इसका बिना ऑपरेट के हल हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि ये विश्वास करते थे। क्या करते थे? ये विश्वास करते थे और विश्वास करने वालों के साथ परमेश्वर काम करता है। पर इस संसार में कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर तुम इतने सामर्थ्य वाले हो, नहीं सामर्थ्य वाले हम नहीं है, सामर्थ्य वाला वो प्रभु है जो पूरी दुनिया के जगत के पाप के लिए मारा गया और गाड़ा गया है, हम नहीं है, वो है, वो काम करता है। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने हॉस्पिटल हैं, आप हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को क्या करो, चंगा करो, फिर हम तुम्हें 10 लाख का इनाम देंगे। इतने हॉस्पिटल खोले हैं, हम लेकर जाते हैं, हम मरीज लेकर आते हैं, तुम चंगा करके दिखाओ, ऐसे वो बोल रही। नहीं, देखो परमेश्वर फेथ का परमेश्वर, विश्वास का परमेश्वर और वो विश्वास से काम करता है। इब्रानियों 11 की 6 में लिखा, बिना विश्वास उसे कोई खुश नहीं करता और जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है पहले उसे ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। बोलो क्या? परमेश्वर है। लिखा फिर अपने खोजने वाले को, जानने वाले को, उसके जीवन में वो काम करता है। किसके जीवन में? जो उसे वो जानता है, जो इंसान उसे जानता है। समझ आ रही है? पैसों से नहीं, परमेश्वर विश्वास से काम करता है और धक्के से नहीं। समझ आ रही? अब मैं आपको बाइबल से आपको बताता हूं, 10 लाख की बात लोग कर रहे हैं कि 10 लाख देते हैं, मरीज हमारे होंगे, अब चंगा करके दिखाओ। हम बाइबल में देखते हैं 2 राजा उसकी 5 उसकी 1 ऐत से। हाँ तो आप अपनी स्क्रीन में देखो, तो यहां पे ऐसे लिखा है, अराम के राजा का नमान नामक एक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था और ये शूरवीर था परंतु कोड़ी था। अब 5 दिखाओ। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, तब वह 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अब 8 दिखाओ, 8 से। तब निमान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यर्दन में 7 बार टुपकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। आगे, परंतु नमान क्रोधित हुआ और ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर के करके कोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोड़ को दूर करेगा। आगे, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं?
क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। आगे तब उसके सेवक के पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भिक्षुकता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक के इसे मानना चाहिए। आगे तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हमारे पिता, यदि भिक्षुकता तुझे, ये दोबारा से फिर 14 दिखाओ, 14 नहीं है इसमें, तो 14 में लिखा, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार जर्दन को जाकर उसमें 7 बार टुपकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। क्या हो गया? वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया। अभी नोट, यहां पे एक पॉइंट नोट करो, ये जो राम के राजा का सेनापति नमान जो कोड़ी था, बोलो क्या था, ये परमेश्वर के दास अलीशा भिक्षुकता के पास कितना धन लेकर गया? 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अब 10 किकार चांदी, बोलो क्या है 10 किकार चांदी का मतलब? इसका किकार का मतलब लगभग 340 किलोग्राम जो चांदी का तोल है, बोलो क्या है, और सोने का लगभग 70 किलोग्राम जो 6,000 टुकड़े सोने। अब इसका हिसाब लगाएं तो ये कितने लाखों की प्रॉपर्टी, कितना ये धन लेकर परमेश्वर के दास आलिशा भिक्षुकता के पास गया। पर उसने उसे कहा कि जब वो गया तो उसने अपने सेवकों को भेजा और उस आलिशा ने कहा, यहाँ पे कि जर्दन नदी, इसमें 7 बार टुपकी मार, तेरा कोड क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो उसने कहा कि अगर इस नदी में मैं स्नान करके शुद्ध होता, इससे अच्छी नदियां मेरे देश में, क्या मैं उनमें ना शुद्ध हो जाता? तो गुस्से से वो वापस जा रहा था, पर उसके सेवकों ने कहा, हे स्वामी, अगर भिक्षुकता कोई कठिन कोई औखा काम तुम्हें बताता तुम ना करते? अगर वो सहज कहता तुम करके दे। जब उसने उनकी मानी तो उसने वैसा किया। तो लिखा, जब उसने उसके वचन को माना तो लिखा, उसका शरीर एक छोटे लड़के सा हो गया, इतना कोमल जो एक कोड़ी था, बोलो क्या था। पर जब वो इतना धन लेकर आया परमेश्वर के पास, बोलो क्या आया, जब वो इतना धन लेकर आया, उसके धन ने नहीं, उस वचन ने जो खुदा के दास ने उसे दिया था, जो परमेश्वर ने उसे दिया था, जब उसने नहीं माना तो चंगा नहीं हुआ। उसकी 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना भी नहीं उसे चंगा कर पाए। पर जब उसने उस वचन का विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे उस कोड से चंगा किया। आज भी परमेश्वर हमारे फेथ से, हमारे विश्वास से चंगा करता है। बोलो क्या है? जो नहीं जानते वो उन्हें नहीं पता, पर हम जानते हैं हमारा परमेश्वर फेथ का परमेश्वर है, विश्वास का परमेश्वर है, और जो कोई भी उसके पास आता है, इसलिए बाइबल में लिखा उसे शास करना चाहिए कि वो है, और जो उसे कोई जानता है, उसे खोजता है, उसके जीवन में बड़े काम करता है, जैसे इसके जीवन में किया है। तारीफ करो जोर से ऊंचा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे चलदा, लख लख दूत मेरी राखी लेया चलदा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे चलदा, लख लख दूत मेरी राखी लेया चलदा। क्यों डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। God bless you. Next, बताओ।